आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। न्यूज फर्स्ट की टीम आई है 8 नंबर पर। हमारे साथ मौजूद हैं ऑक्सीजन मैन कहे जाने वाली शख्सियत पास्कर सर। पास्कर सर की जो आज ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं, किसी टाइम में ये जो मंडप का काम करते थे और अभी भी मंडप का काम करते हैं, लेकिन आज हर जगह इनका एक नाम है पास्कर सर। तो पास्कर सर के साथ ये नाम जुड़ गया है, ऑक्सीजन मैन। इस तरीके से लोग इनको ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। इसके पीछे से एक कहानी है। इनकी वाइफ जो थी 67 किलो की थी और आज 20 किलो की रह गई हैं। क्योंकि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं, वो डायलिसिस पेशेंट हैं और उनको हर महीने में 12 या 13 बार हैं। और इस तरीके से उन बीच में 2 साल से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी। डॉक्टर ने ठीक हो चुकी थी थोड़ा, तो डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बोला था और यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। हमारा वाइफ का दोनों किडनी फेल है, वो डायलिसिस पे है, तो उनको डायलिसिस चलता रहता है और उनको महीने में कम से कम 12 डायलिसिस उनका होता है, हफ्ते में 3 बार। तो उनको कभी कभी ना ब्रेथलेस होता है, ब्रेथलेस लगता है तो उनको ऑक्सीजन हम लोग लगाते हैं अर्जेंट में। कभी भी लगता है उनको, कभी भी बोला तो कभी भी लगता है, तो ऑक्सीजन हम घर में रखा हुआ है। तो मुझे अपना सर का फ़ोन आया, प्रिंसिपल का, ओली मदर इंग्लिश स्कूल का रफीक सर, हाँ, उनका टीचर का हस्बैंड को कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो उनको किधर से मिला नहीं ऑक्सीजन। मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला ऐसे से हमारे स्कूल की जो टीचर है उसके हस्बैंड को ज़रूरत है, ऑक्सीजन ज़रूरत है। मेरा वाइफ ने सुन लिया, मेरा भैया बाजू में बोला क्या हुआ, मैं बोला ऑक्सीजन, तो बोला फ़ौरन एक काम करो, ये ऑक्सीजन दे दो उनको, तुम मेरा ख्याल मत करो, मैं आज है या तो कल नहीं है, उनको दे दो, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर थी स्कूल की, वो भी टीचर है, मगर दे दो। तो मैंने ओके नो प्रॉब्लम, जब हमारे घर में हमारे बॉस ने बोल दिया तो देना ही है, उनको व्हील पावर बहुत है। तो मैं पूछा तो बोला कोई टेंशन मत लेना मेरा है, ऊपर गॉड इज़ ग्रेट। तो वो ऑक्सीजन देने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, मुझे थैंक्स बोला वेरी वेरी थैंक्स, और वो टीचर ने भी वेरी वेरी थैंक्स बोला, एकदम मतलब तुमने ऑक्सीजन दिया और बोले तो आपका वाइफ को खुश हुए और आपको दुआ दी और थैंक्स भी बोला, बोले आपको लगता है आपको वाइफ को अपनी वाइफ ने दे दिया। मतलब मेरा वाइफ बिंदास है, कुछ ऐसा टेंशन। फेसबुक में सर ने डाला और आया, उसमें हमारा फेमस हो गया। मेरे वाइफ क्या बोली, मेरे पास थोड़ा कुछ जेवर है, वो जेवर तुम भी डालो और उनको मदद करो, बेचारा ऑक्सीजन का बहुत तकलीफ है, बहुत आदमी लोग मर रहे और ऑक्सीजन मिल रहा नहीं है। तो मैंने क्या किया, औरत के बोलने से जेवर बेच के और मैंने वो ऑक्सीजन लेके आया और घर पर गरीब लोग का सेवा करना चालू हुआ, और अब भी करूँगा, बोला और भी आगे करूँगा, करते रहूँगा, क्यों मेरा वाइफ बोला करते रहना सेवा। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ, बस थोड़े दिन में एक एम्बुलेंस आने वाला मालूम में, हमारे डार्लिंग वाइफ रोजी सल्डाना, उसके नाम से एक नया एम्बुलेंस आने वाला है, फ्री सर्विस कोविड-19 के लिए, सबको फ्री दिया जाएगा एम्बुलेंस, फ्री सर्विस। और हमारे 10-15 दिन में हमारे पास ऑक्सीजन का 25 गैस बाटला आने वाला है, वो भी आपको गुड न्यूज़ मैं देता हूँ, अपने मालोनी को कोई थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा और हमारे मालोनी में स्टॉक ये आने वाला है 10 दिन में, और मैं ये करता रहूँगा और सबको मदद करता रहूँगा, ये मेरा इच्छा है। जैसे कि हमने इनसे बात करी पास्कर सर से, तो हमें ये एहसास हुआ कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है, ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। ये बात साबित हो गई जब इन्होंने एक सिलेंडर, इनके बच्चे के जो टीचर थे रफीक सर ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके इन्होंने बताया कि उसको जब इन्होंने सिलेंडर दिया ऑक्सीजन सिलेंडर, अपनी वाइफ थैंक्स बोला और थैंक्स बोलने के साथ साथ बहुत अच्छे से फिर वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, तब से इनको ऑक्सीजन मैन के नाम से जान
जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और यहाँ पर भी इनकी वाइफ ने जो कुर्बानी दी है, अपने कीमती जेवर बेच के, जो कि औरत कहता हूँ कि औरत अगर जेवर दे दे बहुत बड़ी चीज़ होती है। औरत ने जेवर दिए और ये कहा कि लोगों की सेवा करिए, मेरे जेवर तो बाद में भी आ जाएंगे। और 5 साल से वो इस जंग से लड़ रही हैं और उनका पूरा साथ दे रहे हैं पास्कर सर। ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दलील है, पास्कर सर ने हमेशा उनका साथ दिया है। और जब डॉक्टरों ने उनको बताया था कि कहीं ना कहीं इनको कभी आज या कल की मेहमान है, तो पास्कर सर ने हर वो चीज़ करी जो उनको करना थी। उन्होंने सेवा करी और वो 65 kg की थी, आज वो 20 kg की है, लेकिन पास्कर सर ने उम्मीद नहीं हारी है और आज लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं हर जगह। जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है पास्कर सर से मिले। पास्कर सर, अगर आप हमारे व्यूवर्स को अपना नंबर शेयर करना चाहते हैं, तो जिसको सिलेंडर की ज़रूरत है, जिसको सिलेंडर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो पास्कल सल्डाना का नाम से है। और जिसको ज़रूरत लगेगी, मेरा नंबर है 9322593412, इस पर आप कॉल करिए, आपको मिल जाए। क्या वाइफ के थोड़े गहने थे, वो 80,000 रुपये मिले उनके। वो 80,000 रुपये में वाइफ ने बोला, ये तुम ऑक्सीजन लाओ और कुछ गरीब लोग के लिए सेवा कर देना करके। तो हमने, हमारी वाइफ का सब सुनता हूँ मैं, कि वही हमारी एक, ये हमारी मतलब लाइफ पार्टनर है, तो मैं उनका जो भी बोलता मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो मेरी लक्की वाइफ है एकदम। जिस तरीके से हमें पता चला था, जब हमें, मेरे भी आंखों से आंसू आ गए थे, कि एक जो खुद जिनकी किडनी फेल हो चुकी है और महीने में कम से कम 13 बार उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, वो खुद एक बीमार है जो कि 70 किलो की थी, उसके बाद अब वो 20 किलो की रह गई है। ऐसी लेडी, वो तो कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। पास्कर साहब की कामयाबी के पीछे भी एक औरत का हाथ है, जिसने अपने कीमती जेवर, जो कि औरत का गहना होता है, वो खुद दिया अपने हाथ से कि ये बेचिए और लोगों की सेवा करिए। और इस कुछ पैसा पास्कर सर ने भी मिलाया, कुछ पैसा अब वो जो जेवर था उसका से मिलाया, काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने सिलेंडर खरीदे ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी ये कार्य कर रहे हैं। और आप जहाँ पर भी अब पास्कर सर का नाम आता है, ये मंडप का काम करते हैं, लेकिन आज जहाँ पर भी नाम आता है, वो लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। हर कोई ऑक्सीजन मैन के का खिताब दिया हुआ है। काफ़ी बड़े स्टारों ने, काफ़ी बड़े लोगों ने इनको ऑक्सीजन मैन का नाम दिया है। जैसे कि बहुत से ऐसे स्टार हैं मेरे पास जिनका नाम है, जिन्होंने इनको ऑक्सीजन मैन का नाम दिया है। मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन राहिब जैदी के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़।